बांसवाड़ा में नगर परिषद की ओर से सौंदर्यीकरण के कई कार्य करवाए जा रहे हैं। इसी कड़ी में कल जनजातीय क्षेत्रीय विकास विभाग राज्य मंत्री अर्जुन सिंह बामनिया ने नूतन पाथवे का लोकार्पण कर जनता को समर्पित किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बांसवाड़ा जिले के विकास के लिए कोई भी कमी नहीं रखेगी। उन्होंने कहा कि शहर के कागदी पिकअप वियर को उदयपुर के फतेह सागर की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। कार्यक्रम में नगर परिषद के सभापति जैनेन्द्र त्रिवेदी मौजूद थे। नगर पालिका का बोर्ड बनने के एक साल बाद में आपने कितने ही इस शहर की सौंदर्यीकरण और उसके विकास के बारे में लिखा है, देखा है, और आज कहते हुए फिर वापस मुझे खुशी है कि जिस तरीके से इस उदयपुर रोड को माननीय नगर पालिका के सभापति द्वारा और नगर पालिका द्वारा इसको सौंदर्यीकरण का रूप दिया है। कागदी के अंदर बोटिंग व्यवस्था, दो तीन गार्डन, उपाध्याय गार्डन हो चाहे मोहन कॉलोनी का हो, पाथवे का उद्घाटन किया है। ये नूतन स्कूल के बाहर नूतन पाथवे के रूप में उद्घाटन किया है। यहाँ पे खूबसूरत हमने ब्लॉक लगाए हैं, खूबसूरत लाइटें लगाई है। ये लोगों के लिए घूमने के लिए एक बहुत ही बढ़िया हमने पाथवे बनाया है। मीटर की सड़कें जो बनेगी नगर परिषद क्षेत्र में वो भी कार्य कराया है, तो लगातार डेवलपमेंट हो रहा है और आने वाले टाइम में नई सौगातें और शहर को मिलेगी। नूतन पाथवे का उद्घाटन हुआ है, माननीय मंत्री महोदय ने किया है। हम और माननीय मंत्री महोदय शहर के विकास के लिए कटिबद्ध हैं।